हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज पहली यूनिट का डी पार्ट शुरू करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। जिस तरह आप सभी ने टेंथ क्लास में पढ़ा था भाई, रेजिस्टेंस रजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस, उसी तरह कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस। तो इस पूरी यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में हम अपना पहला ही टॉपिक का रख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी कि पहला ही टॉपिक है कैपेसिटेंस। एक कंडक्टर है, और वो कंडक्टर किसी चार्ज को अपनी सरफेस के ऊपर होल्ड कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। इस एबिलिटी का नाम है, कंडक्टर की इस एबिलिटी का नाम है कैपेसिटेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर ये एबिलिटी है एक कंडक्टर की क्या करने की, टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज, चार्ज को अपनी सरफेस के ऊपर होल्ड करके रखना। ये एबिलिटी किसकी है? ये एबिलिटी है कंडक्टर की, और कंडक्टर की इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर? मान लेते हैं हमने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया Q, और वो चार्ज उस कैपेसिटर के ऊपर जाने के बाद किसी पोटेंशियल को अपने ऊपर तैयार कर लेगा कि भाई मेरा इतना पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को हमने रख लिया V। ठीक है, क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। वहन ए चार्ज Q is given to a conductor जब एक चार्ज Q है वो किसी कंडक्टर को हमने दे दिया, तो वो क्या करेगा? डेवलप करेगा किसको? कंडक्टर। इट डेवलप, किसको डेवलप करेगा भाई? ए पोटेंशियल वी, सच दैट, किस तरह से डेवलप करेगा? कि इस तरह से डेवलप करेगा कि क्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब भी हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे? कोई कांस्टेंट। और यहां हमने जो कांस्टेंट यूज किया वो क्या किया? सी। और ये जो सी है ये क्या है भाई? सी, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, सी वो है, वो क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यानी कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने यहां से निकाल लिया, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सी की वैल्यू कितनी होगी? क्यू बाई वी। यानी कि यहां से हम कैपेसिटेंस की एक डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप ऑन कंडक्टर। इट इज द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस इज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप ऑन कंडक्टर।
पोटेंशियल डेवलप ऑन ए कंडक्टर, ये था हमारे पास कैपेसिटेंस। अब आया जिक्र कि भाई जो कैपेसिटेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या है भाई, एसआई यूनिट। जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज का फॉर्मूला होता है कूलाम, पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट, यानी कि कूलाम पर वोल्ट। और इसी को एक और नाम दे सकते हैं हम, क्योंकि माइकल फैराडे था इसके बारे में खोज करने वाले, तो नाम दे दिया फैराड, यूनिट का नाम फैराड, और फैराड को हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे भाई। क्लियर। डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डाइमेंशनल फॉर्मूला। जैसे हमारे पास चार्ज है, चार्ज क्या होता है भाई, क्यू, चार्ज को हमने लिख दिया क्यू। पोटेंशियल वी, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डिवाइड बाई चार्ज, और जो नीचे है उसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या बनाएगा भाई, क्यू का स्केयर। यानी कि हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया क्यू स्केयर डिवाइड बाई वर्क। क्यू का फॉर्मूला ऐसा ये सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का ए वन टी वन, लेकिन दो है तो इसका क्या कर दो भाई, स्केयर। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू। क्लियर। और इसको सोल्व किया तो हमने क्या लिख दिया भाई, एम वन ऊपर गया माइनस वन, एल टू ऊपर गया माइनस टू, टी माइनस टू ऊपर गया प्लस के, और दो ऊपर है तो कितने हो गए चार, ए कितना रह गया दो, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू। ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब कहीं भी ये आ जाए कि भाई कैपेसिटेंस है वो फैराड में मापा जाता है और एक फैराड को डिफाइन करो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई कि डिफाइन वन फैराड, डिफाइन वन फैराड। तो डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, जब एक कूलाम का चार्ज किसी कंडक्टर के ऊपर एक वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप कर दे तो हम उस कैपेसिटर, उस कंडक्टर की एबिलिटी को हम कितना कहेंगे, एक फैराड है, कि उसका कैपेसिटेंस कितना है वन फैराड है। तो आंसर क्या होगा, वहन वन कूलाम ऑफ चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर एंड इट डेवलप वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल ओवर इट, इसके ऊपर कितना वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप कर दे, वन वोल्ट का, देन इट्स कैपेसिटेंस इज सेड टू बी वन फैराड। तब हम इसके कैपेसिटेंस को कितना नाम दे सकते हैं, वन फैराड के बराबर। क्लियर है, कर लोगे। और जब भी फैराड जो यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट है, फैराड क्या है ये, वन फैराड लार्ज यूनिट है भाई, और इसको जब प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम प्रैक्टिकली यूज उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोफेराड या पिकोफेराड।
जो माइक्रो फेराड है वो होता है 10^-6 फेराड, और जो पिको फेराड होता है वो 10^-9 फेराड। क्लियर है, ये 1 फेराड होगा। इसी में साथ ही मिलता जुलता है कि भाई अगर हमने कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मान लेते हैं कि कोई भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, ये है हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी रेडियस है r, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और जो टोटल चार्ज है वो कितना है भाई q। हर बार हम पॉजिटिव लेते हैं, क्यों, बस बात है भाई कि पॉजिटिव लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव लोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव लेने, आंसर लाने के लिए थिंक पॉजिटिव, ओके। तो चलो लिख लेते हैं, सुपोज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है भाई r, ठीक है, और एक चार्ज है प्लस का q जो इसकी सरफेस के ऊपर है, या ये कह लो कि इसके सेंटर के ऊपर हमने टोटल चार्ज कितना है, हैविंग चार्ज प्लस q एट इट्स सेंटर। प्लस q चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर के ऊपर है, तो हर जगह पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन देगी, और आउटवर्ड को हम क्या लेते हैं भाई पॉजिटिव, सॉरी आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज होता तो वो इनवर्ड, और कोस की वैल्यू रखते तो फील्ड इंटेंसिटी में क्या पड़ता भाई फर्क। और पोटेंशियल जब हम लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए पोटेंशियल नेगेटिव। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वी की वैल्यू, पोटेंशियल, पोटेंशियल का आसान सा फॉर्मूला होता है भाई के क्यू डिवाइड बाई आर। क्लियर, के का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाई पोटेंशियल, कैपेसिटेंस चार्ज बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्यू डिवाइड बाय क्यू 4πε0 r, क्यू से क्यू कैंसिल, किसकी वैल्यू आ गई, कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर का 4πε0 r। यहां 4πε0 की वैल्यू है कांस्टेंट, r क्या है, चेंज हो सकता है, कब नज़दीक भी ले सकते हैं, दूर भी ले सकते हैं, तो जो है यहाँ कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, रेडियस होता है किसकी, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। इसके साथ ही हम एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं कि अगर हम निकालना चाहें कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा, उसके लिए देखो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ अर्थ के लिए कैपेसिटेंस जब निकालोगे तो आर की वैल्यू क्या पुट कर दो, जो अर्थ की है 6400 किलोमीटर, या फिर कह लो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू 4πε0 r, 4πε0 की वैल्यू 9×10^9, 6.4×10^6। क्लियर,
9 है, 6 है, पावर कितनी रहेगी 10 की पावर माइनस 3। पॉइंट है, पॉइंट को तोड़ के नीचे ले आए तो 10 की पावर माइनस 4। क्लियर? ऊपर क्या है हमारे पास 64, नीचे क्या रह गया 9, 64 डिवाइड बाई 9 इतने फैराड। और फर्दर जब इसको हमने सोल्व किया 9 से 63 10 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 फैराड। जब दो डेसिमल को इस तरफ लेके आओगे तो इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड, यानी कि जो अर्थ की कैपेसिटी है वो कितनी होती है भाई 711 माइक्रो फैराड। अर्थ जहां हम रह रहे हैं उसके ऊपर जो सबसे बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है वो कौन है? अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ से बड़ी रेडियस का कोई गोला हम तैयार कर ही नहीं सकते। तो अर्थ की कैपेसिटी भी किसमें है भाई? माइक्रो में। इसका मतलब हम जो कैपेसिटी लेते हैं उसकी किसमें मिलेगी भाई? माइक्रो से भी छोटी, पिको में। क्लियर है? तो आज का टॉपिक इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।